वीडियो को शुरू करने से पहले आशा करती हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आते हो। वीडियो को लाइक शेयर मृणाल्स किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पहले टिन को रेडी कर लेना है। यहाँ मैंने बटर पेपर काट लिए हैं। अभी मोल्ड में इसको सेट करके लेंगे। बटर पेपर मैंने यहाँ ज़्यादा काट लिए हैं क्योंकि हमें केक पैक होने के बाद डिमोल्ड करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस करके बटर पेपर को लगाना है। टिन अपना रेडी हो गया है। अभी बैटर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पतीले में पानी रख दिया है। तो डबल बॉईल के मेथड से व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके लेनी है। तो मैंने यहाँ 150 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है। चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट करनी है। चॉकलेट हमेशा फ्रेश ही लेनी है क्योंकि व्हाइट चॉकलेट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अभी उसी में 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक नया फ्लेवर यहाँ ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दिवाली भी आ रही है, गेस्ट को भी ये आप बना के सर्व कर सकते हैं। यूजुअली मिठाई खा के सभी बोर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक नया फ्यूजन लेके आई हूँ। तो चॉकलेट भी हमारा मेल्ट हो गया है। अभी इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। बटर और वाइट चॉकलेट का बैटर मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसी में हमें दूध ऐड करना है और अच्छे से फिर से मिला के लेना है। उसी में कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अभी बाउल में छलनी रखेंगे और मैदा भी डाल देंगे। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के लेना है, इसे कभी भी स्किप ना करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे छान के हो चुके हैं। अभी कट फोल्ड के माध्यम से हमें इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करते समय इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए और ज़्यादा प्रेशर देके भी हमें यहाँ मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून पिस्ता इसेंस लिया है। इलायची इसेंस भी आप ऐड कर सकते हैं और इसको और रिच फ्लेवर आने के लिए हमें यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड करनी है। अब यहाँ हमें काजू बादाम पिस्ता का पाउडर बना के लिया था, वो भी हमें इसमें ऐड करना है और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके लेना है। बैटर अपना मिक्स हो गया है।
अब उसी में हमें जेल ग्रीन कलर ऐड करना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। केक बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक ही होती है। हमारा बैटर यहाँ परफेक्ट हो गया है। तो अभी इसको टीन में पोर करके लेंगे। स्पैटुला से इसको आप ही अच्छे से सेट करके लेंगे। टिन को टैप करके लेंगे ताकि इसमें के एयर बबल्स निकल जाए। अभी इसको बेक करने के लिए रख देंगे। पॉट को मैंने 10 मिनट्स पहले से ही प्री हीट करके रखा था। अभी टिन को इसमें रखेंगे और धीमी आंच पर 35 मिनट्स बेक करके लेंगे। थर्टी फाइव मिनट्स हो गए हैं, केक बेक हुआ है कि नहीं देखेंगे। ये देखिए नाइफ अपनी क्लीन आ गई, इसका मतलब केक अपना अच्छे से बेक हो गया है। तो अभी इसको पॉट में से निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी ब्लॉन्डी गार्निशिंग के लिए हमें यहाँ 150 ग्राम पिस्ता चॉकलेट लेनी है और डबल बॉईल के मेथड से हमें यहाँ मेल्ट करके लेनी है। आपके पास पिस्ता चॉकलेट नहीं है तो आप व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं और उसमें 1 या 2 ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट यहाँ हो गई है। इसी में हमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड करनी है और फिर से अच्छे से इसको मिक्स करके लेना है। देखिए हमारा पिस्ता गनाश रेडी है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। पिस्ता गनाश हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अभी उसी में हमें 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर ऐड करनी है और इसको फिर से मिक्स करके लेंगे। केक यहाँ पूरा ठंडा हो गया है। अभी पिस्ता गनाश से इसको गार्निशिंग करेंगे और स्पैटुला से इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करके लेंगे। गार्निशिंग करते समय ध्यान रखना है कि हमारा केक यहाँ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट पूरी मेल्ट इस पे हो जाएगी। तो यहाँ मैंने काजू पिस्ता बादाम के कुछ पीसेस लिए हैं, तो इसके ऊपर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रोज पेटल्स लिए हैं, उससे भी गार्निशिंग करेंगे। केसर स्ट्रेन से भी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने एडिबल गोल्डन पेपर लिया है, उससे भी गार्निशिंग करेंगे। पे हमारा पिस्ताचिओ ब्लॉन्डी केक रेडी हो गया है। अभी इसको कट कर लेंगे। केक को मैंने यहाँ 2 घंटा फ्रिज में सेट करके लिया था। वाओ कितना डिलीशियस लग रहा है ना केक। ये देखिए लग रही है ना मिठाई जैसी, तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, केक बनाइए और सबको खिलाइए और गेस्ट को भी इम्प्रेस कीजिए। इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।